गाइस, कभी आपने सोचा है कि मास्टर शेफ इंडिया के जजेस जैसे शेफ कुणाल कपूर खुद कितने अच्छे कुक हैं? तो यही टेस्ट करने के लिए आज तुम्हारा भाई आ पहुंचा है मास्टर शेफ इंडिया के जज शेफ कुणाल कपूर के दिल्ली में खुले इस नए रेस्टोरेंट पिन कोड में। अब सिंस द लेजेंडरी शेफ द कुणाल कपूर के रेस्टोरेंट में आए थे तो भाई एक्सपेक्टेशन भी भर भर के लाए थे। बेसिकली इनका रेस्टोरेंट अभी नया ही खुला है दिल्ली के साकेत सिलेक्ट सिटी मॉल में। अच्छा, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ कि कौन कौन शेफ कुणाल कपूर का फैन है और यहाँ कौन कौन उनकी नई नई रेसिपीज फॉलो करता रहता है। और भाई साहब, खाने के जो प्राइसेस थे ना, वो किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं थे। अब शायद यहाँ का स्टाफ हमारी वीडियो से हमें पहचान गया था, इसलिए हमारा ऑर्डर लेने के बाद ही हमें एक स्टार्टर की डिश कॉम्प्लीमेंट्री दे दी गई। अच्छा, ये कोई डिश है मूज वैसी कोई डिश है जो कि हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री मिली है, तो मेरे को लग रहा है रिश्वत मिलनी शुरू हो गई है आज तारीफ करने के लिए। कहीं ना कहीं वो पहचान गए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपना रिव्यू बिल्कुल बिल्कुल अनबायस्ड रखें। अब फ्री की डिश तो भाई टेस्टी ही लगेगी, लेकिन देखना ये था कि जिस डिश के लिए हमने पैसा खर्च करा है वो कैसी होगी। तो टेबल पे आई हमारी ऑर्डर की गई पहली डिश जो थी ये चाट प्लेटर, जो टेस्ट में कैसा भी हो भाई दिखने में काफी सुंदर लग रहा था। प्रेजेंटेशन में ही आंखें चकाचौंध हो गई हैं। शेफ कुणाल कपूर के रेस्टोरेंट में खाना है, शेफ कुणाल कपूर द लेजेंडरी शेफ। पानी बहुत ही यूनिक टेस्ट वाला है यार, दो थोड़ा स्वीट साइड अगर चाट का मुकाबला करो तो वो थोड़ा फीका बन मसालेपन कम है, वो मिसिंग है। ये भुट्टे के कबाब है, लाइक भुट्टा काफी यूनिक चीज है टेस्ट में, बट मुझे टेस्ट में इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। अराउंड 500 सारे आइटम्स अराउंड 500 550 रुपए के हिसाब से मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। इनके रेस्टोरेंट की ये पहली डिश हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी कम निकली। अब आई हमारी ऑर्डर की गई दूसरी डिश पनीर के कोफ्ते मिद मखाना, जिसका प्राइस तो भाई सैलरी वाले इंसान के हिसाब से था, लेकिन प्रोपोर्शन एक बच्चे के हिसाब से। इसके साथ गाइस आया ये मालाबार पराठा और ये लच्छा पराठा, सुंदर तरीके से आया, मेरा मन नहीं कर रहा है। पनीर के कोफ्ते प्लस दूध कोरमा है, मालाबार पराठा। भाई कितना डिफिकल्ट रहा होगा इसे बनाना। अंदर देखते हैं इसके अंदर, दिस इज पनीर। इसके अंदर रिप्रेजेंट हुआ है ये लाल कपूर का रेस्टोरेंट। हालांकि इस डिश का टेस्ट वॉज रियली गुड, ये काफी हद तक मलाई कोफ्ता ही था बट विद अ फैंसियर नेम, पर चलो स्वाद में अच्छा था तो माफ करते हैं। देन आई हमारे टेबल पर ये इमली वाली ड्रिंक, जिसमें ऐसा लग रहा था कि भाई दुनिया भर की सारी इमलियों का खटास कूट के डाल दी है। फ्यूजन है ऑफ इमली एंड जलजीरा। अब आखिरी में आया एक डेजर्ट जो भी कुछ अतरंगी सी ही चीज लग रहा था। गाइस पता है ये क्या था? ये था रसमलाई तिरामिसु। जी हाँ, देसी विदेशी खाने का एक अटपटा फ्यूजन। और जैसे देसी और विदेशी डू नॉट गो टुगेदर, वैसे ही ये डिश भी साथ में कुछ जची नहीं। माय गॉड, नीचे रसमलाई है इसके और ऊपर चॉकलेट मूस। ये अटपटा फ्यूजन है भाई। मेरे ख्याल से हर चीज ना इस रेस्टोरेंट में एक एक्सपेरिमेंट है, जो कि दो डिफरेंट, जैसे राहुल ने बोलता, बहुत दो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेकर मिलाया हुआ है। कोई एक्सपेरिमेंट पास हो रहा है तो कोई फेल, ये मेरी समरी है। भाई 3,000 रुपए खर्च करने के हिसाब से मेरा शेफ कुणाल कपूर के रेस्टोरेंट में खाना खाने का एक्सपीरियंस कुछ कुछ ललित के खाने जैसा ही रह गया। मतलब ऑनेस्टली इसका टेस्ट ऐसा था कि इस रेस्टोरेंट में मैं दोबारा आने में थोड़ा सा सोचूंगा। ऑनेस्टली गाइस, मुझसे पूछोगे तो मैं इस रेस्टोरेंट को दूंगा 2 से 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। दिस इज एन एवरेज या फिर बिलो एवरेज प्लेस, जो कि आप शायद थोड़े एक्सपीरियंस के लिए विजिट कर सकते हो, वरना ठीक है, अच्छा खाना तो बाहर नहीं मिलता। और ना चाहते हुए भी आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस रेस्टोरेंट में आपको नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे ही मिलेंगे।